नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करना, यानी जो भी मेरी नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत यानी एक दो हफ्ता होगा शायद, मुझे लग रहा है मैंने अभी तक टेलरिंग का वीडियो डाला नहीं है दोस्तों। मैं उसका आपको रीजन भी बता दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे पास है बहुत सारे कपड़ा सिलने में, यानी ब्लाउज का पैटर्न बताने में मेरे पास अस्तर नहीं मिला, क्योंकि आपको मालूम है लॉकडाउन की वजह से दुकानें सब बंद है, होलसेल की ऐसे नॉर्मल भी दुकानें बंद है। तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, दिल से सॉरी, क्योंकि बहुत लेट हो गया, एक डेढ़ हफ्ता हो गया, शायद एक दो हफ्ता, तो मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाई। मेरे पास अस्तर नहीं था, कुछ नहीं था अवेलेबल ही, मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आपका वीडियो वीडियो अपलोड करना ही मैंने थोड़ा लेट कर दिया हुआ है। तो बहुत सारे कॉल भी आ रहे थे, मैं दो मिनट बातें करूंगी दोस्तों। आपको बोलना कि मैम बहुत बोल रही है, क्योंकि एक महत्व बोल रही हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं कि मैडम आपकी वेबसाइट चालू करो चालू करो। दोस्तों हमने इसलिए बंद रखी वेबसाइट क्योंकि लॉकडाउन के वजह से भी है, तो यहाँ पे हमारा कुरियर जा नहीं पा रहा है, जो हमारी जो खुद की डिलीवरी तो वो जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए से मैंने जैसे बंद करी, जैसे ही लॉकडाउन चालू हो जाएगा यानी पूरा खुल जाएगा तभी हम यहाँ पे यूट्यूब पर आपको बोल देंगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट चालू है, और कॉल से भी बातें करते रहेंगे। और हमारे ग्रुप तो है ऐसे भी, व्हाट्सएप ग्रुप, वो भी फ्री में है, उसमें हमने चार्जेस वगैरह कुछ लिया नहीं, जैसे वैसे हम लोग इसमें डाउट्स क्लियर करते हैं। तो इसे हमारा है, तो जैसे ही वेबसाइट चालू गया, यानी वेबसाइट का नाम है लैपोज, वो चालू हो जाएगा तो आपको घर तक हमारी कटिंग आ ही जाएगी, जैसे कि आप देखते होंगे पहले के। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अस्तर, और ये मेन साड़ी का फैब्रिक, तो अभी ये नेट वाला साड़ी है दोस्तों, यानी नेट ब्लाउज है, इसी तरह से देख रहे हो। पहले हम इसकी सिलाई निकाल लेना है इसी तरह से, क्योंकि अभी थोड़ा निकल रहा है फैशन इसका। ये स्लीव्स है, यानी हाथों की स्लीव्स, और ये है मेन कपड़ा। तो अभी हम पहले इसको कट कर निकाल लेते हैं इसी तरह से, इसका सिलाई कच्चा ही है, इसी तरह से पूरा निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए दोस्तों, अब देख रहे हो इसी तरह से। अभी इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं और मेन अस्तर ले लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गई दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, जो सिर्फ एक नया चैनल मैंने लॉन्च किया हुआ है, कल ही लॉन्च किया है दोस्तों मैंने, और चैनल का नाम है गीता फूडीज, सिर्फ नॉनवेज चाहे दोस्तों। प्लीज मैं पहले आपको बता, जो नॉनवेज खाते होगे ज्यादा पसंद करते होगे तो प्लीज उस चैनल को आपने देख लेना है। जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी वेबसाइट का, अपना वीडियो का नाम है लैपो, अपना गीता फूडीज नया चैनल है सिर्फ नॉनवेज का, स्पेशल नॉनवेज के लिए। मुझे मेरा ऑलरेडी तो आपको मालूम है गीता कुकिंग वर्ल्ड करके एक ऑलरेडी चैनल है, खाली उसमें हम लोग वेज ही बताते हैं। कमेंट आ रहे थे, कॉल आ रहे थे बहुत सारे मुझे, तो मैम आप नॉनवेज बताओ, तो मैंने उसमें ऐसा सोचा चलो कुछ अलग ही नया चैनल लॉन्च कर दिए। तो फिर मैंने यहाँ पे गीता फूडीज करके नाम है चैनल का, प्लीज वहाँ पे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना है, सिर्फ नॉनवेज के लिए बस। अभी यहाँ पे मैंने अस्तर अच्छी तरह से फैला दिया हुआ है, आपको तो मालूम है ये गीता लेडीज टेलर की कटिंग है, गीता लेडीज टेलर की कटिंग है, सबको तो मालूम है गीता लेडीज टेलर की कटिंग सबसे पहले अपने ही, मुझे हमने ही लॉन्च की है, सबसे पहले हमने लॉन्च की। और जिन लोगों ने भी अभी तक कटिंग मेरी ली तो उनको तो मालूम है 101% बोली परफेक्ट, यानी परफेक्ट ब्लाउज हमारा आ ही जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने रखना है अस्तर, मैं बताने वाली हूँ कटिंग कैसे रखा जाता है, बहुत सारी गड़बड़ होती है कि ऐसे रखते वैसे तो ब्लाउज परफेक्ट आता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड यानी बंद जो घड़ी होती है हमारी, तो वहां पे इसे रखना है हमें इसी तरह से, लेंथ सब लिखा हुआ है, खाली रखते जाना है। यहाँ पे गीता लेडीज टेलर कटिंग में हम लोग 5 कटिंग दे रहे हैं, 1 टक से, 4 टक से, प्रिंस कट है, बॉम्बे कटोरी और कटोरी, इसे हम लोग 5 कटिंग एक ही साइज में हम लोग दे रहे, सस्ता और सबसे अच्छा। अभी यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर लेना है, देखो जैसे कि वैसे रखना है इसी तरह से, देख रहे हो। यहाँ पे मार्जिन मैंने ऑलरेडी ज्यादा ही दी हुई है, यानी आपको दिक्कत नहीं होगी सिलने में इसी तरह से। अभी यहाँ पे हम लोग फ्रंट साइड ले लेते हैं, इसको ऐसे रखना है, कभी भी ये फ्रंट साइड ऐसे ही रखना है, आड़ा टेढ़ा रखना नहीं है दोस्तों, यानी हमारा कपड़ा भी बच जाता है। इसको खाली ड्रॉ करना है, ऑलरेडी गीता लेडीज टेलर कटिंग में हमने मार्जिन बहुत सारी दी हुई है, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन करने की जरूरत ही नहीं है। और जिन लोगों ने भी कटिंग ली तो प्लीज कमेंट कर लेना है, यानी जो जिनको भी कटिंग की दिक्कत आती है तो इजी आसान तरीके से कटिंग लेगे और आसान तरीके से ब्लाउज सिल पाएंगे, वो भी मेरा वीडियो देख के। अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस पट्टी रख देंगे, यहाँ पे जगह बची है,
इसको ऐसे रखना है, यानी दो क्रॉस पट्टी हमारी निकल जाएगी। ओके, देखिए कटिंग कपड़े पे कैसे रखना है वो इजी तरीका देखना है आपको। अभी यहाँ पे इतना बच गया कपड़ा, इसको मैं थोड़ा साइड ले लेती हूँ। इसी तरह से अभी ये कटोरी, बहुत सारे कटोरी रखने में बहुत यानी बहुत गलतियां कर देते, तो इस गलती तो आपने करनी नहीं, तो फिर क्या होता है, कभी फ्लैट होती है कटोरी, कभी चपटी हो जाती है, कभी नोक दिखता है, कभी नोक नहीं दिखता है, कुछ वगैरह वगैरह आपको मालूम है। आप सिलते होगे तो आपको थोड़ा मालूम भी होगा कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने इसे प्लस कर लेना है इसी तरह से, देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें ऐसे रखना है, इसी तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसे करना है, गलती होगा ये, कोई बात नहीं, एक नया तरीका बता देती हूँ मैं आपको। इसी तरह से ये ऐसा जो कपड़ा हमारा होता है इसी, और इसको ऐसे हमें इसी तरह करना है, यानी एकदम प्लस का चिन्ह देना है, और इसे हमें क्या करना है, ऐसे रखना है। इससे क्या होगा कि कटोरी जो होती है हमारी, ऐसे हमें इसे कपड़े ऐसा खींचना चाहिए, सीधे में कटोरी रखना नहीं है, ऐसा रख सकते हो या आप ऐसा रख सकते हो, ऐसा चाहिए, ऐसा ये नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्लस का ये कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा ऊपर जाएंगे हम हल्का सा, एक मिनट, अभी यहाँ पे मैंने रख लिया, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। अभी हम कटोरी रखना है, बहुत सारे क्या होते हैं कटोरी में बहुत रखने की दिक्कत कर लेते हैं, फिर उनकी कटोरी नोक आती है, चपटी हो जाती है, कभी कपड़ा ज्यादा लेते हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मेन कटोरी का है तो मैं आपको बताऊंगी, कपड़ा कभी भी ऐसे खींचना चाहिए हमारा, ऐसे क्रॉस, ऐसा कपड़ा हमें ले चाहिए नहीं, स्ट्रेट में नहीं चाहिए, क्रॉस में चाहिए। इसी तरह से देख रहे हो मैं खींच रही हूँ, तो यहाँ पे हम लोग कटोरी रख देंगे इसी तरह से, और जो ये पार्ट होता है हमारा, मैं आपको एरो बता रही, ये वाला सीधा होना चाहिए, यानी ऐसे कपड़े में सीधा होना चाहिए इसी तरह से, देख रहे हो इसी तरह से। तो ये हमारा, अभी मैं बता रही हूँ, अभी ये होगा तो ये हमारा ऐसे क्रॉस आ गया, और ये एक हमारा ऐसा क्रॉस आ गया, तो ये परफेक्ट, ये पार्ट हमें खाली सीधा चाहिए बस, बाकी कुछ मत देखो इसी तरह से। अभी इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों ब्लाउज सिलना, कुछ हार्ड नहीं है, खाली थोड़ा एक मेरा वीडियो देख लोगे ना पूरा, तो आपको आइडिया आ जाए, मेरे पहले के भी वीडियो देख लेना है, इससे थोड़ा एक अंदाजा आ ही जाएगा आपको दोस्तों इसी तरह से। ओके, ये पार्ट हमें खाली सीधा चाहिए, अभी आपको मैं खींच के बताऊंगी, देखो इसे कटोरी एकदम परफेक्ट, यानी एकदम परफेक्ट 101% बोल के एकदम अच्छा बैठेगा। आप बोलोगे यार सही में, यहाँ पे भी मुझे कमेंट करना फिर। अभी ये हो गया, अभी हमारा हाथों की लेंथ देख लेना है, अभी यहाँ पर तो हमारा ये है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको देख लेना है, चेक कर लेना है मेजर टेप से। ये 38 साइज का ब्लाउज है दोस्तों, यहाँ पे जितनी डिजाइन उतनी हमें लेनी है, उसके हिसाब से हमने अभी आप रखना है। पाव इंच सिलाई पे जाएगा, यानी आधा पाव में ऊपर ले लेती हूँ और इसको देख लेती हूँ, यानी होगी ये 11.5 की ब्लाउज, यानी हाथ ले 11.5। ओके, इसको थोड़ा साइड रख लेंगे, यानी 11.5 का। अभी कभी बड़ी लेंथ आपको करनी हो हाथों की, इसलिए तो 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए हमें दोस्तों, छोटा कपड़ा नहीं चाहिए। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, निशान एक एरो, अभी ये कितना है देख लेते हैं हम, बहुत कम है कोई बात नहीं, ये पूरा यहाँ पे 11.5 पे ये आ ही जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ा लेनी है हमें, सिर्फ लेंथ बढ़ानी, बाकी कुछ नहीं करना है, नीचे से ही बढ़ाना है, ऊपर से कुछ करना है, क्योंकि ऊपर का ऑलरेडी मैंने शेप दिया हुआ है, शेप में भी बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है हमारी कटिंग में। आपको बताओगे 28 से 42 तक कटिंग है हमारी, अभी हम जैसे वैसे ही इसको ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, इस तरीके से, तो ये हमारा हुआ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ऐसे हमारी कटोरी में हमने 5 पार्ट लग रहे हैं। अभी इसके हम लोग कटिंग करना है दोस्तों, अभी देख रहे हैं आप गीता लेक्स टेलर कटिंग सिर्फ मैंने रखी, उसमें कुछ मार्जिन वगैरह दिए, क्योंकि ऑलरेडी गीता लेक्स टेलर कटिंग में मार्जिन मैंने भर भर के दी हुई है, यानी आपको सिलने में दिक्कत आएगी भी नहीं, थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इसी तरह से कटिंग करना है, बहुत सारे बताते हैं मुझे कि मैम आप बता रहे हो तो हमको कटिंग वीटिंग कॉल आते हैं ज्यादा करके मुझे, इसलिए मैं चलो मिला
करके ही बताओगे, यानी आपको जो आप ब्लाउज सिलते होगे तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। इसी तरह से देखो मैं परफेक्ट कट कर ले रही हूँ। ओके, अभी यहां से ये कट कर लेना है, जो इजी इजी पार्ट लगा वो हमें इसे कट कर लेना है। इसके बीच में से कट कर लेना है। इसी तरह से अभी ये कट कर लेते हैं। इसी तरह मैं सब दोनों पार्ट कट कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे पूरी हमने कटिंग कर ली अस्तर की। अब इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं और मेन फैब्रिक ले लेते हैं साड़ी का ब्लाउज पीस। इसको मैं उल्टा सीधा देख लेना है, ये उल्टा है और ये सीधा है और ये उल्टा है। उल्टे से ही रखना है कपड़ा। अभी बैक साइड हम रखना है इसी तरह से बंद घड़ी में, जैसे है वैसे ही। ओके, इसको हम ऐसे रखेंगे। आपको बता रहे हैं एक पार्ट यहां पे हो गया है। अभी ये कटोरी की भी मैंने बताया था, वो ये सीधा पार्ट चाहिए इसी तरह से। और ये हमारा होगा क्रॉस पट्टी, देख रहे हो इसे। अभी ये स्लीव्स हमारी नेट पे आ जाएगी। तो अभी हम इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने पूरा कट कर लिया है, अभी इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे स्लीव्स ले लेना है हमें इसी तरह से। अभी ये स्लीव्स की हमें पहले पट्टियां निकाल लेनी है, क्योंकि जो लगाया है लेस ये हमें सिलने के टाइम पे आपको बताया गया कैसे लगाना है। कभी भी ऐसी बॉर्डर पट्टी होती तो पहले ये लेस निकाल लेनी है हमें, तो ये निकाल लेते हैं। अपने मैंने लेस निकाल लिया है। अभी हम यहाँ पे एक एक रखने वाले, ये सीधा पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे उल्टे पे ऐसे रखना है हमें। ऐसे मैंने फैला दिया हुआ ये वाला पार्ट। अभी यहाँ पे स्लीव्स ले लेंगे इसी तरह से। अभी स्लीव्स को ऐसे ओपन करेंगे और इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, देख रहे हो इसी तरह से। यहाँ पे एक एक पार्ट हमें कट करना है। आप इस तरीके से कट कर सकते हो, मैं आपको एक दूसरा भी तरीका बता देती हूँ। इसको एक ऐसे रख देना है अस्तर को, ये नेट वाला है तो ये इजीली दिख जाएगा हमें। इसको ऐसे रखना है, देख रहे हो एकदम इजीली। यहाँ पे हमें बीच में ये आना चाहिए, जहाँ पे मैंने ये एरो दिया हुआ है आपको बता रही हूँ, ये मैंने पॉइंट निकाला है। ये जो फूल दिख रहे हैं हमारे, ये हमें बीच में आना चाहिए। इसी तरह से ओके। अभी ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हमारे स्लीव मतलब सिलने में जाएगा। ओके, अभी हम इसको कट कर लेना है इसी तरह से। थोड़ा ज्यादा ही कट करना है, कम कट मत करना, क्योंकि सिलने हम लोग जब सिलेंगे तो थोड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए, मतलब थोड़ा अस्तर से थोड़ा पाव इंच ज्यादा ही ले लेना है। और सिलने में तो परफेक्ट आ ही जाता है। इसी तरह दोनों स्लीव्स ऐसे कट कर लेते हैं हम, जैसे कि अभी ये देखा है आपने, दूसरा भी मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ सेम। अभी यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स कट कर लिए हुए, देख रहे हो। इसी तरह अभी इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, इसको साइड रख लेते हैं और बैक साइड ले लेते हैं पीछे वाला पार्ट। टक्स पॉइंट देख लेना हमें और नेक भी देख लेना हमें। और नेक यहाँ पे हमको 6 चाहिए और तीरा होगा 3 का और आगे का तीरा होगा 2 का, यानी ऊपर का पहले स्क्वेयर तीरा 2 का ही, इसलिए क्योंकि हमारी शोल्डर गिरती नहीं कितना भी बड़ा गला हो अपना। अभी हम इसको हल्का सा मैं राउंड दे दूंगी। ओके, और यहाँ पे हम लोग लेंगे 4 का टक्स पॉइंट और यहाँ पे होगा आगे का 4.5। इसी तरह से ये 4 और ये 4.5, यहाँ पे हम लोग नॉचेस लगा लेंगे इसी तरह से। ओके, इसी तरह से अब इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। मैं नेक बाद में डिजाइन आपको बताऊंगी। अब इसको हम लोग चिपकाएंगे इसी तरह से फेविकोल से। ऐसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। बहुत सारे क्या करते हैं, सिलते हैं, हमें यहाँ पे सिलना नहीं, हमारे उतने पास हमारे पास टाइम नहीं होता है, सिलते हैं फिर टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा करना है, फेविकोल लेना है
और इसको हमने ऐसे दो दो इंच या तीन तीन इंच के दूरी पे हमें ऐसे चिपका लेना है। इससे क्या होता है ब्लाउज हमारा रेडी जल्दी हो जाता है, टाइम भी लगता नहीं कुछ, दो मिनट में चिपक जाता है। दोस्तों इसको ऐसे लेना है, उसको ऐसे करके हमें इसको चिपका देना है। ये दो मिनट के अंदर ही पूरा चिपक जाता है, ज्यादा टाइम लगता नहीं कुछ नहीं। देख लेना ऐसे आगे पीछे परफेक्ट। और फिर जो बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं हम लोग बाद में कट कर, अभी इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। ये चिपक गया है, अभी हम कटोरी भी ले लेते हैं। कटोरी को भी ऐसे ही करना है, वो फेविकोल ले लेना है, तीन तीन इंच के दूरी पे ही लगाना है फेविकोल, साइड साइड बीच में लगाते जाना नहीं है। ये मेरा तरीका है दोस्तों, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे, देखा ना एकदम परफेक्ट ऐसा लगा। तो यहाँ पे ऐसे देख लेना है पीछे करके अस्तर को, यानी परफेक्ट चिपका क्या नहीं। इसको भी थोड़ा साइड ले लेते हैं और इसको भी, बीच में चिपकाओगे तो खराब हो जाएगी हमारी साड़ी और डार्क डार्क दिखेगा यानी फेविकोल का। तो इस बात का ध्यान देना है किनारे पे हमें फेविकोल लगाते जाना है, बीच में लगाना नहीं है, नहीं तो गलती कर बैठोगे फिर ब्लाउज खराब हो जाएगा। फिर हम मुझे कमेंट आएगी मैम आपने कैसे बताया, ऐसे साइड में मैंने लगा रही, प्लीज फोकस करना है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं, ये चिपक गया है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो साइड साइड का, वो हम लोग इसे कट कर लेना है, क्योंकि एक लेवल मिल जाती है फिर हमें सिलने में दिक्कत होती नहीं, तो आसानी तरीके से हम लोग अस्तर का ब्लाउज सिल पाओगे। तो इस तरह पूरी कटिंग हमें से ही कर लेना है। यहाँ पे मैंने पूरा कट कर लिया है दोस्तों, एकदम परफेक्ट। अभी आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग बताऊंगी और इसके साथ ही पैटर्न बताऊंगी, तो एकदम परफेक्ट। तो प्लीज, और हाँ दोस्तों मैं एक बार और बताना चाहूंगी, मेरा एक और वीडियो अपना चैनल लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो नाम है चैनल का गीता फूडीज, वो भी नॉनवेज का है। तो प्लीज जैसे आपको नॉनवेज ज्यादा पसंद होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, उसमें कमेंट करना है। गीता फूडीज इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे ही दूंगी। तो ओके, तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा अभी ये टेलरिंग का, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है और कमेंट करना है। धन्यवाद दोस्तों।